नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे इस नए अध्याय में स्वागत है दोस्तों और इस कोर्स का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है दोस्तों ये कोर्स हमने इसलिए डिजाइन किया है कि हम सभी लोगों की मदद करना चाहते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो भी आज नया व्यक्ति कदम रखता है उसको वो सारे फंडामेंटल वो सारे प्रिंसिपल एक करिकुलम के जैसा एक पाठ्यक्रम के जैसा उनके पास प्राप्त हो जाए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये किताब के साथ ये वीडियो कोर्स भी आपको दे रहा हूँ इसकी क्या ज़रूरत है भला अगर ये किताब हो जाती है तो लोग किताब पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन किताब कभी कभी हम पढ़ने के लिए लेते हैं लेकिन हम एक आदत नहीं बना पाते हैं लेकिन वीडियो जो होते हैं वो आप गाड़ी चलाते हुए कार चलाते हुए या कहीं आप खाली बैठे हुए हैं तो आप ये वीडियो कभी भी ऑन करके रन करके देख सकते हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि किताब के साथ जो भी किताब के अंदर आपको कंटेंट मिल रहा है ये मेरा स्क्रिप्ट है दोस्तों दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेनिंग भी मिलेगा मतलब ये किताब आप अपने हाथ में रखिए और वीडियो के ट्रेनिंग अटेंड करिए तो मैं ज़रूर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स आज जो हम टॉपिक देखेंगे ये आज एक ऐसी कहानी के बारे में आपसे बात करूंगा कि मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के पश्चात जैसे जैसे सफलता हासिल हुई तो मैंने मेरी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी शायद हो सकता है आज इस कहानी की वजह से या फिर आज जो मैं बातें आपसे शेयर करने वाला हूं उस एक कहानी की वजह से या फिर मेरे जीवन में जो मैंने एक अनुभव शेयर किया है उस मेरी आज की बातों की वजह से शायद किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने पर मदद कर सकती है साधारण बात नहीं होती दोस्तों कि एक सरकारी जॉब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र शासन से जुड़ा हुआ जॉब रिजाइन कर कर बाहर आ जाना और वो भी ब्लैक हेयर रिटायरमेंट लोग रिटायर हो जाते हैं लेकिन साठ साल के बाद लेकिन मैं एज अ एज अगर बात करूँ तो मैंने सिर्फ तेरह साल की ही नौकरी पूरी की और मैंने रिजाइन कर दिया तो आज मैं वो डिटेल में बात करूंगा कि क्यों मैंने सरकारी नौकरी को रिज़ाइन किया ऐसे कौन से कारण थे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उस जॉब से भी ज्यादा आगे लेकर गया कोई भी इंसान चाहना चाहता होगा कि ऐसे कारण क्या है अगर प्रवीण सर बताए तो बहुत अच्छा होगा क्यों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि सभी लोग चाहते हैं ना एक सिक्योर्ड लाइफ सुरक्षित जीवन सभी लोग चाहते हैं तो सरकारी जॉब क्यों करते हैं लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब क्यों करते हैं लोग कारण क्या होता है सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा के लिए स्टेबिलिटी के लिए लगातार इनकम सोर्स के लिए लेकिन वो परमानेंट जॉब को भी छोड़ना मतलब इससे भी बड़ी सिक्योरिटी जहाँ पे आपको मिलती है वहीं पे आप छोड़ सकते हैं जब आपको उससे भी बड़ी काबिलियत दिखती है तब आप उस परमानेंट वाली जॉब को भी छोड़ देते तो मैं आज से डिटेल में मेरी जीवन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कहूँगा और फिर मैं आज जरूर बताऊँगा कि मैंने ये सरकार का जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब रक्षा मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इतना अच्छा जॉब मैंने क्यों छोड़ दिया इसके क्या कारण थे तो चलिए दोस्तों मेरा नाम प्रवीण सालुंखे है और मैं सतारा से बिलोंग करता हूँ सतारा पुणे के बाजू में डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ पर मेरा गांव है और एक साधारण से गरीब घर में मेरा जन्म हुआ मेरे पापा टीचर मतलब मिडिल क्लास फैमिली एक मध्यम वर्गीय फैमिली दोस्तों और वहाँ से मेरा जन्म हुआ था और अगर बात करूँ दोस्तों तो मेरे पापा ने मेरे लाइफ में कुछ कम नहीं किया मतलब जो भी उनकी ताकत थी जितनी क्षमता थी उतना सब कुछ उन्होंने मुझे अच्छा दिया अच्छी पढ़ाई दी आने वाले समय पर अच्छे डायरेक्शन दिए अच्छे संस्कार दिए सब कुछ दिया एक मिडिल क्लास फैमिली की व्यथा क्या होती है मैंने बचपन से भी देखी थी फिर भी मैं देखता हूँ दोस्तों तो मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया एक साधारण सी बात बताओ दोस्तों आपको तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों एक भरोसा बनना जरूरी है मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे प्रवीण तेरे मन में जो इच्छा है वो तू कर आज देखेंगे हम कई सारे जो पापा होते हैं नहीं तेरे को डॉक्टर ही बनना होगा मैं बोलता हूँ तुझे डॉक्टर ही बनना है तुझे इंजीनियर ही बनना है तुझे यही बनना है लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे तुझे जो बनना है वो तू बन लेकिन जो करेगा वो सीरियसली करना होगा मन बनाकर उसी के ऊपर पूरा ध्यान लगाना होगा मैंने मेरी पढ़ाई शुरू करी थी सतारा में और फिर जैसे मैं प्राइमरी एजुकेशन पूरा किया फिर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आया और सातवीं कक्षा पूरी हुई थी और सातवीं कक्षा पूरी करने के बाद मेरा गांव जो देगांव गांव था वहाँ से मैंने शिफ्ट किया मेरा जो आगे का पढ़ाई था वो पढ़ाई शिफ्ट हो गई सतारा के एक अनंत इंग्लिश स्कूल स्कूल के अंदर और उस स्कूल में दोस्तों जब मैं पहला दिन चला गया था तो पहले हफ्ते में कुछ लोग एन कुछ लोग स्काउट की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे अलग 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 कुछ स्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं कोई स्पोर्ट चाहता है कोई एन में जाना चाहता है कुछ आने वाले समय पे साइंस की तरफ जाना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग वो अपने अपने जीवन में वो प्रोजेक्ट ले रहे थे मेरे सामने एक ही रास्ता था और मैं क्यों पहले से इंडस्ट्री की तरफ मेरा पहले से लगाव रहा क्योंकि मैं देखता था जब भी मैं आगे बढ़ने की बात करता या मैं आने वाले समय पर मेरे फ्यूचर के बारे में सोचता तो मैं पहले अभी का चीज़ देखता था और उस समय पे मुझे याद है मेरी दसवीं थी 1997 में उन्नीस सौ में, में मैंने दसवीं क्लास पूरा किया था तो उसके पीछे तीन साल चले जाएंगे तो 1994 की बात है दोस्तों 1994 में मैं आठवीं कक्षा में था और उस समय पर बहुत सारे लोग एन सी सी कुछ स्कॉड में जा स्कॉड में जा रहे कुछ लोग अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं स्पोर्ट में जा रहे हैं साइंस की तरफ जा रहे हैं और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं अभी और उ, उस जो 1994 की बात कर रहा हूँ कोई तरीके से अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी नो no जॉब ग्रेजुएशन करके कई सारे लोग एक सुशोषित बेरोजगार बनते जा रहे थे उस समय पे इंटरनेशनली अगर बात करूं मैं गांव में था सतारा में था तो मुझे वो आई टी वाई टी वाला बात नहीं समझ में आती इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने कभी बात ही नहीं सुनी थी 1994 की बात है मुझे नहीं पता था ना ही मेरे गांव में मुझे किसी ने इसके बारे में सलाह दी थी लेकिन उस समय पे एक बात चलती थी इंडस्ट्रियल एरिया मतलब किसी अच्छे प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिले और उसके लिए मैं आठवीं कक्षा की बात कर रहा हूँ उसी समय से मैंने शासकीय तंत्र विद्यालय में मैंने दाखिला लिया था मैं घर आया और पापा को बताया कि मैंने शासकीय तंत्र विद्यालय में, में मेरा एडमिशन किया है मतलब हफ्ते में कम से कम एक बार हमें उस शासकीय तंत्र विद्यालय जिसको एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है वहां पर जाना होता है और पूरा दिन वहां पर टेक्निकल पढ़ाई करनी होती है तकनीकी पढ़ाई होती है अब ट्रेड लेना था तो उस ट्रेड लेने के दौरान भी मेरा एक अच्छा किस्सा था कि मैंने गांव में सुना था कि उस समय पे मैं सोचता था ना तकनीकी ज्ञान होना चाहिए टेक्निकल नॉलेज हमें सीखना है सिर्फ किताबी ध्यान नहीं देना है किताबी ज्ञान नहीं लेना है तो उस समय पर मैंने पहले गाँव में से कुछ लोगों से सुना था कि लाइट फिटिंग किया करते ना इलेक्ट्रिक फिटिंग करते घर में आपने कभी घर बनाया है। घर बनाने के बाद हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते और इलेक्ट्रेशियन हमारे घर में फिटिंग का काम करता है दोस्तों तो मैंने वो लाइन सुना था कि फिटिंग तो वो मेरे दिमाग में बैठा था कि चलो टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना है तो मैं पहले इलेक्ट्रिकशियन के बाद बा, जा, तरफ जाना चाहूँगा तो मैं एक आठवीं कक्षा में बैठा था और सारे स्टूडेंट मेरे साथ जो बैठे थे और टीचर वो बोर्ड पर नाम लिखते थे क्या लिखते थे बड़ा अक्षरों में वो ट्रेड का नाम लिखते थे तो एक एक लिख रहे थे अलग 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 और उस समय पे वो लिखते थे और उन्होंने लिखा था फिटिंग फिटिंग में वो वर्ड मैंने पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया मैंने हाथ ऐसा खड़ा किया मैं भी सर फिटिंग में जाना चाहता हूँ और मैं फिटिंग में दाखिला ले ली मुझे लगा कि मैं अभी लाइट फिटिंग ये जो इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में जा रहा हूँ तो मैं आठवीं कक्षा में वायरिंग का नॉलेज लूँगा मैं आठवीं कक्षा में क्या होता है फेज़ क्या होता है न्यूट्रल कैसे होती है लाइट फिटिंग इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लूँगा हफ्ते में एक बार और मैंने तुरंत दाखिला ले लिया मेरा पहला हर गुरुवार जाना पड़ता था मैं शासकीय तंत्र विद्यालय में और मैं पहला दिन जब उस शासकीय तंत्र विद्यालय में, में मेरा पहला दिन था हफ्ते में एक बार उस समय पे मैं जैसे ही पहले दिन वहाँ पर पहुँच गया और देख रहा हूँ तो सारी मशीनें दिखने लगी मुझे वाइस था एक टेबल था एक फाइल थी बाजू में अपने हाथ में इस तरीके से लोग काम कर रहे मैंने कहा रही ये कौन सा लाइट फिटिंग का वाला बात है मैंने जाके वहाँ पर पूछा ये फिटिंग ट्रेड है ना तो बोले हाँ ये फिटिंग ट्रेड है देखेंगे मतलब एक पूरा ज्ञान नहीं होता है तो लोग कैसे भटक जाते हैं मेरी लाइफ के अंदर भी वो ही मेरा किस्सा है दोस्तों मुझे पता ही नहीं था फिटिंग का मतलब क्या था और उस तंत्र विद्यालय में जाने के बाद पता चला कि भैया ये एक मशीनिस्ट जैसे आगे फिटिंग के काम करते हैं जॉब फिटिंग तो वो काम मतलब वो फिटर ट्रेड है तो चलो ठीक है दाखला तो ले लिया था और सभी लोगों के साथ घुल मिल चुका था तो चलो अभी तीन साल पूरे कर लेते तीन साल वहाँ पर मैंने पूरा किया फ्रेंड्स तीन साल पूरा करने के बाद मेरी दसवीं भी पूरी हुई 1997 में मैंने दसवीं पास किया दसवीं पास करने के बाद फिर से हमें कुछ और आगे पढ़ाई करना है तो क्या कौन सा ट्रेड लेना है उस समय पे भी दिमाग में यही आ रहा था तकनीकी नॉलेज और जो बात मेरी छूटी थी उस बात को मेरे दिमाग में फिर से रेज किया और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की तरफ मैंने ट्रेड किया मेरी ग्यारहवीं और मेरी बारहवीं इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में चली गई मतलब जहाँ पे रेडियो टीवी मैकेनिक कि मैं बहुत सारे लोग मतलब ग्यारहवीं स्टूडेंट एक कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज कुमार जो कॉलेज जा रहा है आर्ट कॉमर्स साइंस की तरफ और मैं जा रहा हूँ टेन प्लस टू की तरफ क्योंकि तकनीकी नॉलेज चाहिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिससे हम आने वाले समय पे एक जॉब की तरफ जाए एक अच्छी नौकरी मिले हमें या फिर हम खुद का व्यवसाय शुरू कर पाए तो मैं खुद मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को मेरी जीवन की कहानी तो मैंने टेक्नोलॉजिकली इसके अंदर ध्यान दिया अब मेरी दो साल की रेडियो टीवी मैकेनिक जैसा जॉब रहता सॉरी वो पढ़ाई रहती है उसके अंदर वो मैंने पॉलीटेक्निक जिसको बोला जाता है टेन प्लस टू वो मैंने पूरा किया बारहवीं भी पूरी हो गई अभी अब मेरी बारहवीं नाइनटीन नाइन में पूरी हुई और जैसे मैंने एच एस सी पूरा किया अब आगे क्या अब आगे क्या करेंगे तो आगे ग्रेजुएशन करने से पश्चात मैंने फिर से सोचा कि नहीं अभी हम आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा ट्रेड मेरे गांव का एक उदाहरण मेरे सामने है डोंगरे करके नाम था उस इंसान का मेरे बाजू में ही हमारे ही घर में एक रूम था वहाँ पे वो रेंट पे रहते थे अंकल बोलता था मैं उनको हमेशा तो उनको जाके मिला और मैंने बोला कि मैं आने वाले समय पे पूना जैसे शहर में टाटा मोटर्स टेलको कंपनी जिसको बोलते हैं बजाज टेम्पो एटो नाम बहुत सुना सुनाता तो ऐसी कंपनी में परमानेंट जैसा जॉब पाना चाहता हूँ तो मैं कौन सा ट्रेड लूँ तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी प्रवीण तुम जब जाओगे तो वहां पे मशीनिस्ट ग्राइंडर नाम का एक ट्रेड आता है किसी भी जॉब का एक फिनिश वर्क बोला जाता है उसको फाइनल वर्क होता है वो मतलब एक के बाद एक जैसे मोल्डिंग जॉब होगा मोल्डिंग मतलब किसी मोल्ड मोल्डिंग मतलब किसी तरह के से उसको मोल्ड किया जाता है तो मोल्डिंग एक आ, सेक्टर होता है तो मोल्डिंग के बाद अलग 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 सेक्टर में आ जाता है

वो ग्राइंडर के हाथ से ही निकल कर आता है दोस्तों ये ट्रेड मेरा पूरा हुआ मैंने दो साल का आई पूरा किया पुणे में आया और पुणे में आने के बाद जब मुझे याद आ रहा है आई टी में हमने ट्रेड पूरा किया तो बजाज टेम्पो के लोग हमारे आई में आए थे और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू था प्रशिक्षणार्थी इसको बोला जाता है अप्रेंटशिप यानी आप पढ़ाई करते करते कुछ पैसा अर्जित करें अच्छी बात थी वो उन्होंने इंटरव्यू लिया और हमें इतना खुशी था कि आज बजाज टेम्पो के लोग आए आज बजाज ऑटो के लोग आ रहे आज टेलको के लोग आ रहे हैं और मुझे याद आ रहा है उस इंटरव्यू में बजाज टेम्पो के लोग हमारे आई में आए थे और उन्होंने मेरा सिलेक्शन वहीं पर किया था सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन होने के पश्चात बहुत खुशी हुई गांव में जाके सबको बताया मुझे बजाज टेम्पो जैसे कंपनी ने सिलेक्ट किया है और मैं एक प्रशिक्षणार्थी करके मैं पुणे में जाऊंगा और जाने के पश्चात मैं वहाँ पे प्रशिक्षणार्थी मतलब क्या है अप्रांसशिप और उस दिमाग में क्या चलता था वो अप्रैंडशिप पूरी होने के पश्चात वही कंपनी हमें परमानेंट कर लेती है तो देखो किस तरीके से रास्ता आगे बदलता चला गया मैं पुणे में आया और पुणे में आने के बाद मैंने बजाज टेम्पो में एक साल पूरा किया बैचलर लाइफ था बारह लोग हम एक रूम में रहते थे बैचलर लाइफ 200 200 रुपया निकाल कर घर मालिक को देना पड़ता था मतलब क्या था बारह सौ रुपये एक जेब से देना है तो उस समय पे स्टाइपन यानी विद्या वेतन बारह सौ रुपये मिलता था विद्या वेतन बारह सौ रुपया उसमें से तीस रुपए मेरा कैंटीन का खर्च होता था कंपनी का तो ग्यारह सौ सत्तर रुपया मुझे सैलरी मिलता था और काम एक लेबर से भी ज़्यादा बदतर काम हमें किया करना पड़ता था वहां वहाँ पर तो वो वो लोग इसी तरीके से हमसे काम करवा के लेते थे क्योंकि तुम्हें तो सीखना है ना तो तुम्हें ये काम करना होगा तुम्हें तो मुझसे सीखना है ना तो मेरा ये काम करो जाओ ये जॉब उधर देखा और ये इसकी सफ़ाई करो इसको क्लीन करो मशीन को साफ करके रखो तो ये विद्या वेतन वाला कहानी था दोस्तों फ्रेंड्स सोचिए बारह सौ रुपये की महीने की सैलरी पे हमने काम किया करता था पैसे की एक एक रुपए की वैल्यू पता चल रही थी और एक इंसान एक घर रेंट पे लेना है तो उस समय पे बारह सौ रुपये भाड़ा था आज बारह हज़ार हो चुका है लेकिन बारह सौ रुपये रेंट पे करना है तो बारह सौ रुपये ही हाथ में आ रहा है तो कैसे करे तो दो सौ दो सौ दो सौ रुपया छः लोगों से लेना और वो एक रूम लेना उस तरीके से हम एज अ बैचलर लाइफ जिया करते थे हो गया एक साल पूरा लेकिन कुछ लाइफ के अंदर बदलाव नहीं और फिर धीरे 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 मैंने सोचा कि आगे जाके परमानेंट हो जाएंगे लेकिन परमानेंट होने का को कोई रास्ता नहीं था कोई लोग साहि नहीं कर पा रहे थे जैसे ही अप्रेंटशिप पूरी हुई फिर छः महीने का पीरियड उन्होंने दिया उसको बोलते टेम्पररी पीरियड बजाज टेम्पो के अंदर छः महीने का पीरियड पूरा हुआ आफ्टर ऑल पीरियड भी पूरा हुआ छः महीने के बाद लगा कि अभी तो हमें परमानेंट का लेटर आएगा नहीं किसी को नहीं क्योंकि उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट जैसा काम चलता था तो हर छः महीने में नया बैच हर छः महीने में नया बैच हर साल में एक नया बैच अप्रेंटशिप के लिए तो कंपनी के मालिक को लोगों की जरूरत नहीं थी क्योंकि बड़ा सैलरी देकर परमानेंट वाला सैलरी देकर लोगों से हायर करने से अच्छा है कि ये बारह सौ में हमें प्रशिक्षणार्थी मिलते हैं या फिर दो ढाई हजार के अंदर टेम्प्ररी वर्कर्स मिल जाते हैं तो कोई परमानेंट नहीं करता था लाइफ ऐसे ही जा रही थी कोई डायरेक्शन नहीं है कोई स्टेबिलिटी नहीं है कोई सफलता नहीं दिख रही है हम क्यों पूना में आए हैं और कोई पता नहीं चल रहा कि आगे कैसे होगा जीवन कैसे सफल बन पाएंगे और फिर एक के बाद एक कंपनी बदलना शुरू हो गया हर छः महीने बाद नया कंपनी मुझे याद है मैंने टेलको का पहला पीरियड पूरा किया बहुत खुश था टेलको के अंदर जॉब मिलने के बाद लगा टेलको भी परमानेंट कर लेगा लेकिन नहीं टेलको ने भी नहीं परमानेंट किया मुझे याद है एक टेलको के अंदर मुझे सैलरी जो थी वो साढ़े सात हजार थी उस समय का साढ़े सात हजार टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फोर इस दरमियान की बात है दोस्तों साढ़े सात हजार रुपया सैलरी और मुझे ये भी आज याद है कि ओवर टाइम करके लोग सत्रह अठारह हजार सैलरी कमाते थे उस समय पर सत्रह अठारह हजार तो आज के कम से कम वन पॉइंट सेवन लाख डेढ़ लाख के करीब है वो अमाउंट है वैसे देखा जाए तो आज की क्योंकि आज हम 2021 में बात कर रहे हैं और मैं आपको मेरी जीवन की कहानी बता रहा हूँ उस समय पे मुझे साढ़े सात हज़ार टेलको में मिलता था इतना खुशी होता था और एक ही दिमाग में आता था कि इतना करने के बावजूद भी ये टेलको परमानेंट नहीं करेगा और एक इंसान ने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया क्योंकि वो तब तक तो मेरे पाँच साल स्ट्रगल हो चुका था पाँच साल की पूरी स्ट्रगल के पश्चात आफ्टरऑल फाइव ईयर स्ट्रगल किया और फिर मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मुझे याद है मैंने कई कंपनियां की इसके पहले भी और वो बाइनरी वाले जैसे प्लान थे ना दो लेग वाले प्लान दो जोड़ना है फिर अपने आप अप दो नीचे आएंगे फिर उसके नीचे दो आएंगे दो दो दो, दो अपने आप अप पैसा आएगा नहीं आता सर अपने आप कभी पैसा काम तो करना ही पड़ता है और वहां पर एक ही बात चलती थी सिर्फ जोड़ने का कार्यक्रम चलता था वहां पे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं थी कोई बात नहीं चलती थी प्रोडक्ट के ऊपर और सिर्फ चलता था आपने कितना आज लॉगिन किया कितने लोगों को वो लैपटॉप के अंदर साइबर कैफे में जाकर हम चेक किया करते थे लॉग इन डालकर अपना हाँ अभी दो यहाँ पे हो गई लेफ्ट साइड हो गया राइट साइड हो गया माई गॉड आज मुझे वो याद आ रहा है मेरे मतलब शरीर पे कप कप ही आ रही है कि वो जीवन था उस समय पे मोबाइल नहीं था लैपटॉप नहीं था कंप्यूटर नहीं था तो साइबर नेट पे जाते थे और वहाँ पे हम लॉगिन करते थे लोगों की आईडी लगाया करते थे लेकिन मुझे याद है मुझे कोई सफलता नहीं मिली कम से कम तीन से चार अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ में मैंने की खाई थी मैं असफल बन चुका था विफल बन चुका था पूरी तरीके से फेल्यर था और सभी जगहों पे पैसा लगाया था मैंने और फिर एक ही बात समझ में आई कि मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती और मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर पूरी तरीके से निगेटिव हो चुका था इस इंडस्ट्री को लेकर मैं पूरी तरीके से नकारात्मक हो चुका था मैं इसे हाथ जोड़ता था लोगों को कुछ भी बताओ मार्केटिंग वाली बात मत बताओ मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता मुझे याद है मैं जब अप्रेंटशिप कर रहा था शिक्षण आरती था प्रशिक्षण आरती बारह सौ रुपये में नहीं चलेगा इसलिए मैं क्या करता था साइकिल लेकर मारुति कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी क्योंकि हमने पेपर में एक एडवर्टाइज देखी और उस एडवर्टाइजमेंट आया था कि आप हमारे पास आइए तो हम आपको एक पार्ट टाइम के अंदर इनकम देंगे पार्ट टाइम इनकम आपको देंगे तो मैंने वो गया एक अच्छे होटल में वहां पे उन्होंने मीटिंग करी थी और वहां पे देखने के बाद कोई वहां पर एमएलए वगैरह नहीं था लेकिन उसने बोला था हमें सिर्फ चालीस लोगों को चालीस लोग मुझे जरूरत है देखो इसने कैसे बात करी थी और हम पूरे महाराष्ट्र में चालीस शहर के अंदर चालीस सिटीज के अंदर फोर्टी सिटीज के अंदर हम एक एक सुपर शॉप ही डालेंगे आप ये मॉल देख रहे हो ना आज मॉल एक मॉल में सारे उत्पाद आ जाते थे पता नहीं उस पर्सन मारुति नाम था उस पर्सन का तो उस पर्सन के दिमाग में वही पे आइडिया आई आए थी जब मैं अप्रेंटशिप कर रहा था मॉल कोई कंसेप्ट ही पता नहीं था उसके दिमाग में आया था कि सभी तरह का ग्रोसरी से लेकर सभी तरह का उत्पाद एक ही शॉप में हो और उसके ऊपर मैं एक एक पर्सन को शेयर होल्डर बनाऊंगा मैंने दस हजार पे कर कर पे मैंने अपना नाम दर्ज किया था कि तो चालीस लोगों में मैं भी आना चाहता हूं अब चाहिए पैसा यानी फाइनेंशियल बैकग्राउंड मज़बूत करना तो वो बोलते थे कंसल्टेंसी को मज़बूत करने का काम ये चालीस लोग करेंगे और फिर चालीस लोगों से काम करवाया था और फिर मुझे याद है मैं मेरा एक साइकिल से एक फाइल लेता था, था उनसे और फिर मुझे बहुत सारे अलग अलग काम करने पड़ते थे क्योंकि सेल्समैन जैसा ही काम था ना वो क्योंकि पता नहीं आगे जाके क्या होगा लेकिन वो बोलता था आप 40 लोग मालिक बनोगे लेकिन हम 40 लोग मिलकर एक फाइनेंशियली हमें मज़बूत होना पड़ेगा तब जाके एक शॉपी लेंगे फिर नया शॉपी और वो हमें काम देता था काम क्या था उस समय पे उस समय पे हम वो पेपर में जैसे आप देखते हैं ना कि कहाँ पे फ्लैट बेचना है कहाँ पे प्रॉपर्टी बेचनी है कहाँ पे प्लॉट बेचना है तो बिल्डर से जाके मुलाकात करना अलग अलग तरह के इंश्योरेंस एजेंट से जाके लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से जाके बात करना और वहाँ से एक कंसल्टेंसी जैसा कार्य करते थे कंसल्टेंसी क्या था वो बिल्डर को जाके मिलना है और बिल्डर को आमने सामने बैठना है मेरा शायद वही से ही शायद मार्केटिंग या फिर वो सारी चीज़ों से या फिर लोगों से बात करने का सब कुछ चीज़ वहीं से मेरा स्टार्ट हो चुका था तो डायरेक्टली बिल्डर के सामने बैठो और बिल्डर से बात करेंगे डायरेक्टली सर हमारे पास कुछ कस्टमर की इंक्वायरी आती है तो हम वो कस्टमर आपको प्रोवाइड करेंगे और आप वो कस्टमर की डील होने के बाद टू परसेंट मारुति कंसल्टेंसन सर्विसेज को दे देंगे इस तरीके से काम करते थे दोस्तों सोचिए क्या लाइफ था कैसे होता था और कोई सैलरी नहीं क्योंकि मज़बूत बनना है हमें चालीस लोगों को कोई पगार नहीं याद है आपको सर कम से कम आठ से नौ महीना मैंने वहाँ पे काम किया नौ महीने के बाद पता चला ये इंसान हमें सिर्फ इस्तेमाल करके ले रहे हैं कोई यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं दिख रही है कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों ने छोड़ दिया था जो चालीस लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके थे उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने छोड़ दिया था पच्चीस तीस लोग ऑलरेडी छोड़कर जा चुके थे अब पाँच दस लोग ही बाकी रह चुके थे और उस इंसान से बात करने के बाद सिर्फ वो विजन देता था लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा था वो जो कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज था कोई शेयर शॉपिंग कुछ नहीं हो रही थी कोई बड़ी शॉपिंग की बात अभी बाद में बंद हो गई अब ये समझ में आया कि यहाँ पर हमारा नुकसान हो चुका है हमने दस हज़ार इनको दे दिया वो उनके पास चला गया हमने सात आठ महीना काम किया कोई सैलरी नहीं लेकिन सीखा बहुत कुछ ने मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेने की पहले वाली बात है फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में थोड़ी जगह पे कहीं ना कहीं पे पैसा जैसे मैंने बताया कम से कम चार पाँच कंपनियां करने के बाद मैं नेगेटिव हो चुका था और अब मैं मार्केटिंग के नाम से डरता था कोई भी मुझे मार्केटिंग शब्द इस्तेमाल भी करता तो मैं मैं खुद ही चिड़ता था और मैं कुछ भी ताने मारता था उसको नहीं ये सर पैसे कमाने वाले लोग हैं हमसे पैसा कमा के लेते हैं प्लीज़ मत मत बताओ बाकी सब कुछ होगा तो बात करेंगे मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे निगेटिव बहुत निगेटिव हो चुका था और टाटा मोटर्स की सेकंड पीरियड में जब था तब मुझे इस जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जो मैं जुड़ा हुआ हूँ इस कंपनी के एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे जानकारी मिली और उस प्रोडक्ट के अंदर जो अनोखापन था उस अनोखापन ने मुझे अट्रैक्ट किया जिसमें हमेशा बोलता हूँ कि कॉफ़ी हम घर में पीते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट मैंने खाया था मेरी लाइफ में मैं पहली बार कॉफ़ी खा रहा था दूसरी बात थी जिस इंसान ने मुझे इसके बारे में जानकारी दी वो मुझने कुछ तीन सवाल पूछे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज सुनिए इसको अच्छी तरीके से वो सवाल ये थे एक के बाद एक सवाल मैं उन्होंने मुझे पूछा था प्रवीण टेलको कंपनी जितना सैलरी दे रही है क्या उतना सैलरी तुझे किसी और कंपनी में मिल सकता है देखो क्या हुआ मैंने बोला नहीं टेलको जितना सैलरी कोई नहीं दे सकता दूसरा सवाल मुझे एक बात बताओ क्या टेलको कंपनी तुम्हें परमानेंट करेगी ऐसा कोई विश्वास है इसके ऊपर कोई तुम्हें भरोसा है तो मैंने तुरंत बोला नहीं इतने सारे लोग तो तुरंत टेम्प्रेरी पीरियड पर ही काम कर रहे हैं तो कैसे परमानेंट करेंगे कोई परमानेंट का चांस ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि भर्ती भी नहीं होती थी तो मैंने बोला नहीं सर नहीं होगा शायद परमानेंट भी होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तीसरा सवाल क्या किसी और कंपनी में परमानेंट होने का चांस है मैंने बोला पूरा वातावरण ही बदल चुका है लोग जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं जो कंपनी के मालिक है वो हमसे काम करवा के ले रहे हैं और कम समय में कम पैसे में लोगों को पैसा तुरंत गेट पे इतने सारे लोग है ना एक एप्लीकेशन डाल दो तो कम से कम एक हजार लोग गेट पे आ जाते थे इतना मतलब इंक्वायरी के लिए लोग इतने ज्यादा थे क्योंकि कुछ रास्ता ही नहीं था सभी लोग आई करके आए थे हम जब रास्ते में चलते थे तो बाजू वाले को पूछते थे तुम्हारा ट्रेड कौन सा है तो बोलता था मेरा मशीनिस्ट मेरा ग्राइंडर मेरा टर्नर मेरा फिटर मेरा वेल्डर ऐसे ऐसे मैं सुनता था मैं मशीन मशीनिस्ट हूं तो इस तरीके से ट्रेड होते थे मैं डीजल मैकेनिक हूँ क्या बात है हम खाना खाने जिस मेस में जाते थे ना तो कम से कम दस पंद्रह बीस लड़के इस उस रूम में खाना खाने बैठते थे मेस में।, में मेस मतलब एक खाना बल और उस मेस में हम खाना खाने बैठते थे, थे और खाना खाने के बाद बाजू में जो लड़का है ना उसको दूसरा सवाल मत पूछो सिर्फ एक सवाल पूछो तुम्हारा कौन सा ट्रेड है वो तो बोलता था, था मेरा टर्नर मैं ग्राइंडर मैं, मैं मशीनिस्ट कोई उस समय पे डिप्लोमा डिग्री ऐसी कोई बातें भी नहीं होती थी मैं मेरे पहले पड़ाव की बात कर रहा हूँ तो आगे की पढ़ाई तो कोई दिक्कत ही नहीं थी समझ में ही नहीं आता था करना क्या है और फिर मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने का कारण था उसने तीन सवाल जो पूछे थे उसमें से पहला था कोई कंपनी परमानेंट नहीं करेगी और पूरा एक हलचम अलग तरीके से मच चुका था कुछ पता नहीं चल रहा है और थर्ड क्वेश्चन था और वो थर्ड क्वेश्चन था कि तुम्हें जानकारी अगर ये प्रोडक्ट तुम्हें अच्छा लगा है मैंने बिल्कुल बोला बिल्कुल अच्छा लगा है प्रोडक्ट लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा और तीसरा उसने सवाल पूछा था तुम एक बात मुझे बताओ अगर तुम आ जाते हो और सिर्फ जानकारी लेते हो तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है तुम्हारा क्या खर्च हो रहा है वैसे भी एक छुट्टी है हमारी तो छुट्टी के दिन एक घंटा बिताने में क्या दिक्कत है घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आ जाए कान पर और तुम नहीं जुड़ेगा तो भी चलेगा मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ जाओ ताकि कभी लाइफ में ऐसा ना लगे कि मैंने वो मौका भी हाथ से गवा दिया कम से कम सुनने के लिए आ जाओ और मैं ऐसा बोला मैं तुम्हें जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं मत जुड़ जाओ तो जुड़ो भी मत यहां पे लेकिन इंफॉर्मेशन ज़रूर लेना दोस्तों इस बात ने मेरे दिमाग में घर कर लिया और मैं सोचता रहा कि जानकारी लेने में क्या हर्ज है जाकर देख लेते हैं और मैं पहली बार वहां पर जाके नहीं वहां पर मैंने सोचा था नहीं करूंगा लेकिन जानकारी लेने के लिए मैं वहां पर पहुंच चुका और जब जानकारी ली तब पता चला कि ये बहुत कुछ अलग है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में फिर से मेरी उम्मीद जाग गई फिर से मेरे अंदर वो इच्छाएं जागृत हुई क्यों ना हम इसको कर लेते हैं क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं थी फाइव हंड्रेड रुपीज़ का हमने कुछ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे किया था उस समय पर उसके साथ हमें एक फ़ाइल मिली थी कैटलॉग मिला था और फाइव हंड्रेड हमने रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट पे किया था बाकी कोई प्रोडक्ट के बारे में जो भी लेना है वो डिस्काउंट में ले लो और शुरू हुआ मेरा सफ़र नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरुआत में इतने नकारात्मक लोगों से मेरा मुलाकात होता था अब आप सोचिए मैं खुद ही इतना निगेटिव था तो मेरे आजू बाजू के लोग भी कितने नकारात्मक सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पे जाके अपना पैसा गवाया था या तो कुछ लोगों ने खुद बुरा अनुभव लिए थे या फिर कुछ लोगों ने इतनी बुराई सुनी होती है कि वो इसके बारे में सुनते ही कुछ भी अनाप शनाप बकना शुरू करते थे मैं भी उसी में से था लेकिन जब मैं कदम रखा तो मैं लोगों को बात किया करता था बात करने का ढंग मेरे पास नहीं था कोई अच्छा कौशल्य नहीं था फिर भी बात करता था कोई ज्यादा मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता था सिर्फ नकारात्मक लोगों से मिलता रहता था निगेटिव लोग फिर भी सोचा मैं आगे बढ़ूंगा और मुझे याद आ रहा है मैंने क्या किया उस समय पे ना हम हफ्ते में एक बार एक पेपर स्टॉल पे जाते थे जहां पर पेपर लगाए पेपर वाला पेपर बेचता है ना न्यूज तो एक चौराहे पे बस स्टॉप पे हम जाते थे और वहाँ पे पेपर के शॉप पे जाते थे और उसको पूछते थे भैया कोई वैकेंसी वाला न्यूज़ है क्या तो वो जो पेपर बेचने वाला उसके पास है ना इसे एनवोलप तैयार एनवोलप रहते थे उसके अंदर अप्लीकेशन भी थे सिर्फ अपने नाम डालना है सब कुछ लिखना है नीचे साइन करना है और वो अप्लीकेशन के अंदर एनवोलप में डाल दो और वो एनोलप भेज दो ऐसे कई अनोलप हम हर हफ्ते में भेजते थे पता नहीं कहाँ से कॉल आ जाए का पता नहीं कहाँ से हमें नौकरी के लिए कहीं पे इंक्वायरी आ जाए तो आगे जाके शायद हो सकता है लाइफ बदल दे और मुझे याद आ रहा है मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मुझे डाय वहाँ पर डिफेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर उस समय पे वो एच ई एम आर एल बड़े अक्षरों में लिखा था हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी नाम सुनकर तो समझ में नहीं आया ऐसा लगा कि कोई लेबोरेटरी है कोई प्रयोगशाला है यहाँ पर मशनीस ग्राइंडर का क्या काम होगा लेकिन चलो एक जगह भरनी है सिर्फ कितनी जगह थी सिर्फ एक खाली जगह भरनी थी तो मैंने सोचा एक जगह है कोशिश करने में क्या दिक्कत है नहीं मिलेगा तो देखेंगे आगे मिलेगा तो अच्छी बात है मैंने अप्लीकेशन डाल दिया और उसके तीन महीने बाद मेरे पास एक लेटर आ जाता है और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है सबसे पहले हमें रिटर्न टेस्ट देनी थी तो सबसे पहले हमें बुलाया गया रिटर्न के लिए और वहाँ पे मैं गया तो आपको बताओ तो कम से कम तीन हजार लोग पूरे भारत से आए थे ग्राइंडर ट्रेड के लिए तीन हजार अप्लीकेशन ज्यादा अप्लीकेशन थे लेकिन जो कॉल करके जो आए थे यानी पूरे भारत से क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ना केंद्र शासन और पूरे मतलब सभी यूपी एम राजस्थान ओरिसा पूरे पूरे भारतवर्ष से पूरे भारत से लोग इंडिया से लोग तीन हजार लोग गेट पर थे और बाहर खसूर फसूर चल रही थी कि एक जगह के लिए इतने लोग आए हैं क्योंकि वो दिन था ग्राइंडर की भर्ती के लिए लोग आए थे और सब लोगों को देखकर मैं हैरान था कि माय गॉड एक जगह के लिए इतने लोग और उसमें भी एक जगह हमें तो प्राप्ति ही नहीं होगी मैं यह, यह भी बोल चुका था मेरे साथ मेरे पापा थे और मेरे और एक मेरे अंकल थे कुलदीप पवार तो वो भी थे मेरे साथ में और सभी लोग हम ऐसे बातें कर रहे थे तो ये एक जगह जो है ना वो वो कब की भर दी गई अब तो ये फॉर्मेलिटी चल रही है पता नहीं क्या हुआ लेकिन एक ही था वो रिटर्न टेस्ट हमने वहां पर दे दिया और रिटर्न टेस्ट देने के बाद हर छः महीने बाद एक लेटर आना शुरू हो गए दूसरा छः महीने के बाद एक लेटर आया अब आपको इंटरव्यू के लिए आना है बहुत खुशी हुई माय गॉड मतलब रिटर्न टेस्ट में मैं पास हो गया पता नहीं आगे क्या होगा इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है अब इंटरव्यू के लिए भी गए थे तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए थे इंटरव्यू में भी एक जगह के लिए इतने लोगों का इंटरव्यू क्यों ले रहे एक जगह के लिए के लेकिन वो फॉर्मेलिटी भी था पता नहीं था क्या होने वाला है और पाँच लोग बैठ मेरा इंटरव्यू ले रहे थे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए इतना खुश था और दूसरा था ना डिटैच यूअर सेल फ्रॉम आउटकम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मतलब क्या था जाना है उन्होंने भी फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया है तो हम भी फॉर्मेलिटी करके आएंगे तो कोई डर नहीं था मन में क्योंकि पहले से ही पता था एक जगह है तो कोई ना कोई जाकर ऑलरेडी चिपक जगाया होगा मुझे तो जॉब ये नहीं मिलेगी तो क्यों ना इसको क्रैक करके इंटरव्यू देंगे बिल्कुल से डरेंगे नहीं मन में कोई डर नहीं था और वैसे भी हमने डायरेक्ट सेलिंग में काम करना शुरू भी किया था नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम एक साल बीत चुका था मेरा बिल्कुल से एक साल बीत चुका था मेरा पूरा और एक साल के बाद मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था तो एक साल में मैंने कितने प्रोग्राम ट्रेनिंग सुने थे और मैं पहले भी मैंने बात किया मारुति कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज में मैंने बहुत कुछ बिल्डर से जाके फेस टू फेस बात किया करता था डायरेक्टली कई जो बड़े बड़े शॉप में दुकानों में जाकर हम बात करते थे तो जितना भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम था तो मैं वो कस्टमर हैंडलिंग ही था ना तो मैं क्रैक किया इंटरव्यू इतना पावरफुल इंटरव्यू हो गया तो उन सभी लोगों में से मेरा सिलेक्शन हो गया दोस्तों फिर प्रैक्टिकल फिर मेडिकल सब कुछ हो गया और मुझे भर्ती कराया गया सोचिए सर तीन हज़ार लोगों में से एक व्यक्ति की जगह थी और वो मुझे प्राप्त हुई थी कितना आनंद हुआ होगा अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया मैंने सोचा अभी हम सिर्फ जॉब पे कंसंट्रेट करेंगे परमानेंट जॉब मिल चुकी है इसी के ऊपर पूरा ध्यान लगाएंगे छोड़ देते सब कुछ अभी ध्यान नहीं बाकी चीज़ों पर देना है और कोशिश करा कि किसी से बात नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्योंकि पता चले अगर किसी को कि ये बंदा कुछ और कर रहा है तो प्रोबेशन पीरियड था छः महीने का और प्रोबेशन पीरियड में ही हमें घर भेज देंगे तो मैं पूरी तरीके से चुप्पी साध चुका था और किसी से बात नहीं करना है सिर्फ उस जॉब से रिगार्डिंग बात करना है और मेरे मन में भी वो आ चुका था कि शायद अभी इसी से मेरी ज़िंदगी बदलेगी लेकिन मैं एक बात बताऊँ दोस्तों तीन महीना पूरा हुआ कितना महीना तीन महीना पूरा हुआ था जॉब के अंदर प्रोफेशनल पीरियड प्रोबेशनल पीरियड कभी भी वो बोलते हैं कि हम आपको घर भी भेज सकते हैं या फिर आप परमानेंट होने के लिए आपको ये प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होता है तीन महीने के बाद मैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ के साथ जो घुल मिल चुका था तब मैं पता लगा चुका था कि यहाँ पे जो लोग परमानेंट है वो भी पूरी तरीके से सुखी और समाधानी नहीं है सेटिस्फाइड नहीं है पैसे की चिंता बहुत ज़्यादा है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रहे नाश्ते के ऊपर नाश्ता होता है ना दो डेढ़ रुपए का नाश्ता उसमें भी मैं देखता था माय गॉड क्या है ये चीज और यहां पर मैं बात बताऊ तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा वहां पर कि जो अपनी रिटायरमेंट लाइफ के अंदर आ चुके फिर भी साइकिल से ही आते थे काम पर ऐसे लोगों के पास खुद का ट्वीलर भी नहीं है खुद के घर या खुद के मकान नहीं बन पाए हैं अब रिटायरमेंट हमने लोगों को गवर्नमेंट क्वार्टर के अंदर दिया था अब आप सोचिए मेरे दिमाग में क्या चलता होगा कि प्रवीण आज जिस इंसान को तुमने आज रिटायरमेंट के लिए सेवानिवृत्ति के लिए जिनको तुमने क्वार्टर पे भेज दिया है गवर्नमेंट क्वार्टर होती है ना घर में तो गवर्नमेंट के क्वार्टर में तुमने रिटायरमेंट उनको भेज दिया है मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साठ साल बिताए हैं लेकिन उन्होंने अपना खुद का घर भी नहीं बनाया तीस लाख चालीस लाख पचास लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट किया करना पड़ता था तो कौन सोचता था एक अच्छा फ्लैट लेना है अच्छा घर लेना है तो साधारण बात नहीं थी सुनने के लिए भी और सिर्फ दिमाग में क्या आता था कि इस जॉब से तुम्हारा लाइफ नहीं बदलेगा मैं बताऊं आपको मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर का सैलरी साढ़े तीन हजार था पहले पहले महीने का सैलरी साढ़े तीन हजार जैसे जैसे इसको बोला जाता है ना पे कमीशन आता है उसके बाद ही सैलरी बढ़ता था हर साल में कुछ डेढ़ सौ दो सौ रुपये का इंक्रीमेंट होता था साल में इंक्रीमेंट डेढ़ सौ दो सौ रुपये की इंक्रीमेंट और फिर आप देखेंगे तो आगे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आने लगी साढ़े तीन हजार टेलको में तो साढ़े सात हज़ार मिलते थे पंद्रह सोलह हजार तो मैं ओवरटाइम में कमा लेता था तो खुश नहीं होता था मन नहीं अच्छा लगता था तो फिर से तीन महीने के बाद मेरे अंदर की जो एक नेटवर्कर बनने की जो इचाहत थी एक बिजनेसमैन बनने की जो अंदर की इच्छाएं थी वो फिर से जागृत होने लगी क्योंकि मैं तीन महीने में नब्बे दिन में इतना तो समझ चुका था कि जितने भी लोग प्रोबेशन पीरियड में एक बार अंदर आ जाते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं एक को भी घर नहीं भेजा जाता तो मैंने शुरू किया चलो ठीक है बात करना शुरू कर देते हैं और फिर मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ कुछ लोगों से बात करना शुरू किया और फिर मैंने मन बनाकर इसको पार्ट टाइम घर आने के पश्चात खाली समय पर इस बिज़नेस के ऊपर कंसंट्रेशन किया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था फिर भी नहीं क्योंकि मुझे पता था ये साढ़े तीन चार हज़ार में कुछ होने वाला नहीं है कल जाके शादी होगी लड़की होगी हमारी एक बीवी होगी फैमिली होगी एक परिवार होगा तो कितना पैसा कम मिल रहा है लेकिन दोस्तों एक मन बनाकर एक चाहत होती है सबसे पहले पर्पज़ होना ज़रूरी है वाही समझ में आना ज़रूरी है और जैसे मैं घर पे आता था पाँच बजे मैं घर से घर पर आता था तो पाँच बजने के बाद बैग उठाओ और इसको जाके मिलो उसको जाके मिलो पूरा बैचलर लाइफ था तो पूरी तरीके से रात के ग्यारह बारह एक दो बजते थे हम ध्यान नहीं देते थे सिर्फ ध्यान होता था लाइव बनानी है लाइव बनानी है और फिर मैं धीरे 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 सफल होता गया एक अच्छा लीडर बनता गया टीम जुड़ती चली गई वैल्यूम बनता गया एक नेटवर्क क्रिएट होते गया एक संगठन बनता गया और फिर मेरी सफलता और आगे बढ़ती चली गई शादी से पहले गाड़ी लेना है सपना था वो भी पूरा हुआ लड़की देखने जाना है तो फोर व्हीलर से जाएंगे नहीं तो लड़की नहीं देखेंगे ये भी सपना पूरा हुआ फॉरेन टूर मिलने लगी फॉरेन जाने लगा ये भी सपने पूरे हुए इनकम बढ़ने लगी मुझे याद आ रही है मेरी शादी से पहले शादी से पहले मैं बोल रहा हूँ मेरी गवर्नमेंट की जॉब की जो सैलरी थी वो हो गई थी सात हजार सेवन थाउजेंड रुपीज टू थाउजेंड नाइन मेरी शादी की सालगिरह साल और मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से चालीस हजार रुपए आता था फोर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ सात हजार सेंट्रल गवर्नमेंट का था और चालीस हजार मुझे यहां से आता था नेटवर्किंग इंडस्ट्री से तो मेरा ध्यान कहां पे ज्यादा होता शायद कोई भी सोचकर समझ लगा रही है यहां पर ही लाइफ बनेगा यही मेरी जिंदगी है यही मुझे करना है कंपनी में जितना हो सकता है अपना पूरा कौशल्य लगा रहा था स्किल लगा रहा था क्योंकि मेरे काम में भी मैं पूरी तरीके से माहिर था जो भी मुझे काम दिया करते थे उस काम के अंदर मैं एक मास्टर था उस काम को तुरंत पूरा करता था लेकिन थोड़ा सा भी समय मैं नहीं गवाता था थोड़ा सा भी समय मिलता था तो मैं लोगों से बातें करता था और आगे बढ़ने की कोशिश करता था और क्या करना है घर जाके क्या करना है घर की प्लानिंग करनी है बाहर जाने के बाद किसको मिलना है कहाँ पर मीटिंग करनी है कहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है कहाँ पर होम मीटिंग होगी अगले हफ्ते की क्या प्लानिंग होगी बड़ा ट्रेनिंग कहाँ पे हो रहा है बड़ा सेमिनार कहाँ पे हो रहा है वहां पे कितने लोगों को लेकर आना है सारी बातें इसी के बारे में दिमाग में वही चलता रहता था लेकिन मैंने कभी भी मैंने कमजोरी काम में नहीं की काम काम की चोरी कभी नहीं की सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी सैलरी मिलता था उसके मुताबिक जो मुझे मेरा फर्ज था वो मैं अदा करता था पूरी तरीके से और मन बनाकर और उसके अंदर भी मेरे जैसा कोई नहीं था शायद जो स्किल मेरा हैंड स्किल के अंदर था जैसे ग्राइंडर का एक काम होता है कि टूल्स जो होते हैं ना टूल्स उसको रीशार्पनिंग करना वो रीशार्पनिंग का काम मैं हाथ से किया करता था तो उस समय पे भी लोगों को बहुत एक अचरज होता था कि जो काम मशीन पे नहीं हो रहा है वो बंदा अपने हाथ से करके देता है और किसी भी काम में मैं आगे बढ़कर उसको तुरंत करने की चाहत रखता था और पूरा करने की पूरी कोशिश करता था मतलब क्या था अपना हंड्रेड परसेंट वहीं पर भी देता था क्योंकि वो बिजनेस में भी हंड्रेड परसेंट दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्यों नहीं वहाँ पर भी हंड्रेड परसेंट देता था अब अब बात आती है दोस्तों आगे बढ़ते चले गए धीरे 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 और आगे बढ़ते चले गए लाइफ बनती गई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर मैं जितना खुश नहीं था वो मैं डीए इस यहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर खुश था क्यों क्योंकि मुझे सात कंट्री जाने का मौका मिला था सेवन कंट्रीज जाने का मौका मिला था जहाँ पर मैं देखता था कि पूरी ज़िंदगी साठ साल बीत चुके हैं अभी रिटायरमेंट भी हो चुका है उन लोगों का उन्होंने कभी एक देश से दूसरे देश में कदम नहीं रखा और मैं सात साल सेवन ईयर्स मैं फ़ॉरन घूम रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी लाइफ अच्छी बनती जा रही है मैं एक की गाड़ी के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौथी मुझे याद है एक बहुत लंबी कार पसाट सत्ताईस लाख की गाड़ी मैं कंपनी में खुद लेकर जाता था अच्छा लगता था मुझे 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 ना एक मतलब नेटवर्कर बनने का एक अंदर से इतना मतलब एक अच्छा लीडर बनना तो अपने आप को पेश करना है अपने आपके व्यक्तित्व को इम्प्रूव करके दिखाना है यहीं पे कुछ लोग अपनी खुद की फोर व्हीलर लेने के पश्चात भी आज भी कुछ लोग हैं फोर व्हीलर लेने के पश्चात भी घर के बाजू में रखेंगे और टू व्हीलर से ही घूमेंगे लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था क्योंकि मैं अपने अंदर में रीच की फीलिंग महसूस करता था कि मैं अगर रीच बनना चाहता हूँ तो मुझे रीच जैसा ही सोचना पड़ेगा तो मैं वो पसाट गाड़ी बहुत कम एवरेज था उसका उस समय पे माइलेज भी कुछ ज़्यादा नहीं था लेकिन पूरे मेरे कंपनी के अंदर सबसे रिच क्लास का गाड़ी था मेरे पास फोक्स वैगन पसाट और पसाट से मैं काम पे जाता था और डेली रोज लेकर जाता था मेरे जॉब के अंदर मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे उनके पास उनका एक साधारण गाड़ी था सेंट्रो उसके बाजू में मैं मेरी गाड़ी लगाता था मुझे उसका खुशी इस बात का था कि मैं इतने कम समय में इस तरीके का लाइफ जी पा रहा हूं मुझे पता नहीं है कि वो इतना कमा रहे हैं उनके पास कौन सी गाड़ी है वो मैं वो बात नहीं मेरे दिमाग में ही की था कि मैं अगर रिच पर्सन बनना है तो मुझे अपने आप के जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा और मैं बाप को बता रहा हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से मैं कम समय में इतना सफल बनता गया था दूसरी बात मैं मर्सिडीज बेंस तक पहुंच चुका यानी सी क्लास ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ गाड़ी मैं कंपनी में लेकर जाता था सोचिए जहाँ पर मैं डिफेंस में था डीआरडीओ कुछ लोग डीआरडीओ के नाम से जानते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मैं मर्सिडीज सी क्लास गाड़ी लेकर काम पे जाता था आप सोचिए कैसा होगा एक इंसान जो मर्सिडीज लेकर आता है काम पर मर्सिडीज लगाता है बाहर और अपने कपड़े मशीन यानी कौन से कपड़े कामगार वाले कपड़े पहनता है और फिर मशीन पर जाके काम करता है कैसा होगा ये लाइफ सोचेंगे आप सोच सकते इस बात के बारे में ये सर बात दोस्तों मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कितना लाइफ बदलते जा रहा था फिर भी तेरा साल मैंने पूरे कर चुका था और एक ही था या मेरे लाइफ में एक और एक दौर आ गया और वो था या तो पूरा समय बिजनेस के दो दो या फिर जॉब को दे दो जॉब में भी बहुत सारे क्राइसिस होने लगे जॉब में भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी मैं मर्सिडीज से जाता था कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा था जो मेरे सबसे करीबी दोस्त थे वही मेरे अंदर बहुत सारे मेरे दुश्मन बनते चले गए जो लोग मुझे बहुत अच्छा इंसान बोलते थे वही मुझे बहुत बुरा बोलने लगे बाद में क्योंकि ये तो साधारण सी बात है क्योंकि एक लाइन हमेशा याद में रखने वाली याद है लाइन है बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों कि अगर आपको शत्रु की संख्या बढ़ानी है तो खूब तरक्की कर लो विपर्यास है लेकिन समझ लीजिए मुझे जो बताना है वो समझ में आ जाएगा आपको तुरंत अगर आपको शत्रुओं की संख्या बढ़ानी है तो खूब तरक्की कर लो क्योंकि जब तक मैं उनके जैसा था तब तक मैं उनके लिए अच्छा था लेकिन जब मेरे पास सी क्लास मर्सिडीज गाड़ी आ गया एक करोड़ का घर पुणे में हो गया फ्लैट तब मैं कुछ लोगों के लिए बुरा इंसान बन गया बहुत अच्छा नहीं लगा बहुत ख़राब लगा दोस्तों जो मेरे खास लोग थे वही जो मेरे खास सबसे करीबी थे वही मेरे लिए वहाँ पर मेरे शत्रु बनते जा रहे थे क्या करे ऐसे समय पर लेकिन फिर भी मैं डटा रहा नहीं कुछ तो करना ही है और एक ही था मैं जब भी घर जाता था मेरे पापा हमेशा बोलते थे चाहे कुछ भी हो जाए जॉब को मत छोड़ना परमानेंट जॉब है बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है तुम्हें मिली है जॉब मत छोड़ना मेरे कंपनी में बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे जो करना है वो कर लेकिन इसको मत छोड़ जो मेरे खास जो मेरे साथ जो मेरे हितचिंतक थे वो मुझे बताते थे करो जो प्रॉब्लम नहीं बहुत अच्छा है तुम बहुत अच्छा इंसान है बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही जॉब में संतुष्ट है लेकिन तुम बहुत कुछ तरक्की कर रहे हो और घर के जाने के बाद भी स्वस्थ नहीं बैठते हो तो बहुत मेहनत हो यार तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो तो बहुत अच्छा लगता था लेकिन एक लाइन तुरंत बोलते थे चाहे कुछ भी हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब को रिज़ाइन मत करना तो फिर ऐसे क्या कारण थे कि मैंने रिज़ाइन किया और वो कारण थे दोस्तों भरोसा सबसे पहला कारण था भरोसा मान लीजिए अगर भरोसा मेरा इस इंडस्ट्री पे नहीं होता पूरा सौ प्रतिशत विश्वास अगर इसके ऊपर नहीं होता तो उस तरीके का जॉब मैं शायद नहीं छोड़ पाता हंड्रेड प्रतिशत भरोसा था कि लाइफ पूरी तरीके से बदल बदलने वाली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट गाइडलाइन के उस समय पर सरकार के कायदे कानून आ गए तो बहुत खुशी हो गई और भी क्योंकि उस समय पर एक डायरेक्ट सेलर का जीवन जो था ना वो एक अलग मोड पे चला गया जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई हर एक एक स्टेट में गाइडलाइन देना शुरू कर दिया सरकार ने कि ये कायदे कानून से कानूनन व्यवसाय है और ये व्यवसाय हर किसी ने करना चाहिए और वो करने के लिए हम दिशा निर्देश देते हैं इतने अच्छी लाइने उस बिजनेस को अच्छे तरीके से करने के लिए हम दिशा निर्देश देते हैं खुशी होती थी दोस्तों और फिर मुझे मेरे अंदर भी भरोसा आने लगा कि भैया अभी पूरा मन बनाकर इसी के अंदर ध्यान दो और फिर मैंने सोचना शुरू किया और वो बातें थी क्योंकि मैं ट्रेनिंग में लोगों से बात करता था जब ट्रेनिंग में बात करता था तो मेरी बातों में यही बात आती लीबर लिगसी फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे की आज़ादी एक्स्ट्रा इनकम मनी फ्रीडम टाइम फ्रीडम जॉब की आज़ादी बॉस से आज़ादी मैं लोगों को बताता था लेकिन मैं खुद ही एक गुलामी जैसा काम करता था मैं खुद ही गुलाम बन चुका था सॉरी टू से बट मैं खुद जॉब करता था और मैं जाकर लोगों को यह सारी जानकारी देता था तो मन में कुछ अंदर से ही चलता था कि, कि इतना मन से तुम लोगों को इतना प्र, प्रशिक्षण में बात कर रहे हो तो अपने लाइफ में क्यों जॉब कर रहे हो लोगों को जहां पे फ्री मैन बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो लेकिन यहां पे खुद जाके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कैसे चलेगा नहीं मन में यह भी बात आती थी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली बात थी भरोसा पहली बात थी क्या भरोसा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो थी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में आने से पहले मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आया था और उसी कंपनी में मैं आज तक हूं तो स्टेबिलिटी मतलब क्या है मेरी ग्रोथ रेट वहां से लेकर यहां तक मेरी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से जितनी सैलरी आती थी उससे तीन गुना सैलरी इनकम मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती थी ज्यादा मिलती थी उससे भी ज्यादा मिलती थी मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई थी स्टेबिलिटी थी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टेबिलिटी स्टेबल था मैं स्थिर था मतलब क्या था कि इतने सालों से तेरह साल से मेरा और ग्राफ इनकम का बढ़ता जा रहा है तो मैं एक सही और अच्छी डायरेक्शन के साथ हूँ मुझे जॉब छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है मैं इस तेरह साल से ये भी मैं ग्राफ देख सकता हूँ ये भी ग्राफ एक पेपर लू तो यहां से मैंने क्या प्राप्त किया और यहां से मैंने क्या प्राप्त किया दोनों का पूरा मेरे सामने डिफरेंस था और मैं स्टेबल था यही तो चाहते ना लोग स्टेबिलिटी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक सही कंपनी अगर आपके साथ है तो आप स्टेबल जरूर बन जाते हैं और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो थी सिक्योरिटी सुरक्षा सिक्योरिटी तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी क्यों मैंने सरकारी नौकरी को छोड़ दा छोड़ दिया सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा क्या सिक्योर है बिल्कुल से दोस्तों लोग इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर मर रहे अंदर जाने के लिए कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे मिलना चाहिए क्योंकि पेंशन मिलती है पेंशन के लिए, के लिए के लोग दौड़ते हैं पेंशन मिलती है बोलते कोई टेंशन नहीं है लेकिन हमने देखा था वो पेंशन आधे से ज्यादा बीमारी में जा रही है और पूरी ज़िंदगी में जिस सैलरी में खर्चा नहीं पूरा हो रहा था उससे थर्टी परसेंटेज पेंशन मिलती है मतलब अगर किसी को तीस हज़ार मिल रहा था तो पेंशन उसकी तीस प्रतिशत थी सोचेंगे ना आप इसके ऊपर ज़रूर सोचेंगे कि पूरा मतलब जवानी थी जब पैसे की ज़रूरत थी उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए जिम्मेदारियां थी उस समय पे जिम्मेदारी होने के बावजूद इतने पैसे की ज़रूरत होने के बावजूद भी पैसा कम पड़ रहा है तो बुढ़ापे में सहारा क्या है नहीं तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है अगर मैं इतना सक्सेसफुल होता जा रहा हूं तो क्यों ना मैं पूरा का पूरा एफोर्ट मेरा हंड्रेड परसेंट मैं इस इंडस्ट्री को दूँ नेटवर्क मार्केटिंग को दूँ, मेरे साथ जितने एसोसिएट हैं उनके लिए दूँ क्योंकि उनके भी सपने हैं मैं सभी के लिए उपलब्ध हो जाऊँ यही मेरा कारण था दोस्तों सिक्योरिटी और सुरक्षा मतलब क्या थी कि कल मैं बूढ़ा भी हो जाओ या फिर मैं आने वाले दस बीस पच्चीस पचास साल का भी सोचूँ तो भी मैं सिक्योर हूं दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों तीसरा मेन रीज़न था सिक्योरिटी सुरक्षा जीवन के प्रति सुरक्षा सभी लोग सोचते हैं ना करियर में यही तो बात आती है और हेल्दी करियर उसे ही कहते हैं कई सारे लोग आज करियर की डेफिनेशन को ही भूल चुके हैं क्योंकि किसको लोगों कि को लगता है कि ज़्यादा पैसा आ रहा है मतलब अच्छा करियर नहीं सर काम करने से पैसा आता है वो आपका अच्छा करियर नहीं है काम नहीं करने से भी पैसा आता है वो आपका अच्छा करियर है समझ चुका था इन बातों को अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वो बहुत ही खास था जिसके कारण मैंने सरकारी जॉब को छोड़ दिया और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था लिव अ लीगसी मतलब क्या है मेरे बच्चे अभी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं अब मैं ये बातें सोचता था मेरे दिमाग में कि कल जाकर मैं यहाँ पे मेरा रिटायरमेंट भी लाइफ पूरा कर दूँ साठ साल तक मैं यहाँ पे रहूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल ऑफिसर मुझे पता था मैं क्या बनने वाला हूँ वहाँ पर साठ साल अभी वहाँ पर रहता ना तो मैं टेक्निकल ऑफिसर बन जाता अभी मैं टी की पोस्ट में होता अभी मैं आज 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 की तारीख में वहाँ पर मैं टेक्निकल टी मतलब टेक्निकल असिस्टेंट बोला जाता है तो टी बन जाता था और आगे जाके फिर हर हर पाँच साल के बाद एक प्रमोशन आता है तो आगे के पंद्रह साल में मैं टी ओ सी बन जाता ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से उस समय पे टी ओ बनने के बाद मुझे एक लाख इनकम मिल जाती एक लाख इनकम मुझे मिल जाती जो पेंशन बीस पच्चीस हज़ार आ जाती पूरा कैलकुलेशन माइंड सेट के साथ था लेकिन क्या मैं मेरे बच्चों को मेरी जगह पर बिठा सकता हूँ क्या मैं मेरे ऋषि को मेरी जगह पे टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट में लेकर आ सकता हूँ नहीं मेरे दिमाग में ये बात हमेशा से दौड़ती रहती थी कि मैं यहाँ पर रिजाइन करूँ सॉरी मैं यहाँ पे रिटायरमेंट करूँ पूरा लाइफ यहाँ पे बिता दूँ और मैं मेरे बच्चों को आगे जाके उसको सफल बनने के लिए कुछ मदद कर पाऊँ तो शायद उसको भी जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ स्ट्रगल शून्य से करना पड़ेगा सब कुछ शून्य से करना पड़ेगा उसको कई कभार ये भी बात पॉजिटिव लेना चाहिए कि बच्चे अगर अपने कदम अपने ही दम पर लगाते हैं तो ज़रूर सफल बन जाते हैं लेकिन एक पापा की कहानी सोचना एक पापा के जगह पे जाके सोचना कोई भी पापा ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मैंने जो स्ट्रगल किया वो भी स्ट्रगल करे हमने जो स्ट्रगल किया वो हमारे बच्चे नहीं करें यही है हर एक पापा चाहता है ये सौ लो और मेरे दिमाग में एक बात आती थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस नेटवर्क कंपनी की इंडस्ट्री में मैं जिस पोजिशन में पहुँच जाता हूँ वो पोजिशन में मेरे बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ जिस इनकम की ग्राफ तक पहुंच जाता हूं उसी ग्राफ से मैं मेरे बच्चों को ट्रांसफर कर सकता हूं इतनी बड़ी ताकत ये इंडस्ट्री हमें देती है तो क्यों ना हम हंड्रेड प्रतिशत इसको दे अपना सौ प्रतिशत इसको दे और इन्हीं सोच की वजह से मैंने बहुत सारे कारण बताए अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले भरोसा विश्वास सौ प्रतिशत विश्वास एक हजार प्रतिशत विश्वास था इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री था मतलब आज भी है और कल भी रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये तो करोड़पति बनाने ली इंडस्ट्री बन चुकी है अभी साधारण से साधारण इंसान को करोड़पति बना देगी भरोसा दूसरा क्या मैंने बताया दूसरा बताया मतलब पहला ट्रस्ट था भरोसा था दूसरा था स्टेबिलिटी स्टेबल इनकम स्टेबल आएगा कंटिन्यू आता रहना है तो बिल्कुल से हम डिसीजन ले सकते हैं स्टेबल है अगर आज ये सेशन के पश्चात आज इस ट्रेनिंग के पश्चात अगर कोई इंसान सोचता है कि सर मैं भी जॉब रिजाइन करना चाहता हूँ तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दो क्या आपका अपने ऊपर भरोसा है अगर है तो आप बिल्कुल से रिजाइन कर दीजिए दूसरा पॉइंट क्या आपकी इनकम स्टेबल आ रही है क्योंकि पहले स्टेबल बनना पड़ेगा तब तक तो आपको पार्ट टाइम करने की जरूरत है तो कर लीजिए पार्ट टाइम लेकिन एक बार स्टेबिलिटी आ जाए एक बार स्टेबल बन जाओ तो स्टेबल का मतलब है जितनी इनकम आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल रही है सरकारी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है जितनी सैलरी वहां पर मिल रही है उससे दो गुना सैलरी अगर आपको कंटिन्यू छः महीना आ रही है तो आप स्टेबल हैं उससे दो गुना सैलरी अगर कंटिन्यू छः महीना आपको मिल रही है तो आप स्टेबल हैं, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टेबिलिटी तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेबिलिटी के बाद आता है और वो क्या था सिक्योरिटी सुरक्षा न जाने कुछ हो जाए तो भी पैसा घर में आता रहेगा तो बिल्कुल से सुरक्षा का मतलब था आने वाले दस साल बीस साल पचास साल मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ अगर आपको पूरा भरोसा भी अपने ऊपर है आपकी इनकम भी स्टेबल होती जा रही है और आपको हंड्रेड प्रतिशत आपकी कंपनी और इस सिस्टम के ऊपर हंड्रेड प्रतिशत भरोसा के साथ सिक्योरिटी मिल रही है मतलब सुरक्षा आपके ऊपर आपका पूरा हंड्रेड पर विश्वास आ रहा है तो डिज़ाइन कर सकते हैं और चौथा पॉइंट मैंने अभी बताया और वो था लिव अ लिगसी लिव अ लिगसी जो भी आप काम कर रहे हैं क्या उसे आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इसी के कारण मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को रिजाइन कर दिया ये ट्रेनिंग है आपके लिए दोस्तों अगर कोई बंदा बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लेना जरूरी होता है क्योंकि तो नेटवर्क मार्केटिंग है मुझे मुझे बताते हुए कोई मतलब ये नहीं है क्योंकि मेरी जॉब मैंने रिज़ाइन किया था ना फ्रेंड्स तो मेरा लास्ट का सैलरी था जिस महीने में रिज़ाइन किया था सिक्सटी थाउजेंड साठ हजार करीब मुझे मेरी सैलरी मिल रही थी मुझे और साठ हजार सैलरी महीने का आप सोच सकते हैं उसको रिज़ाइन करना साधारण सी बात नहीं है ना साधारण सा डिसीजन नहीं होता ये सिक्सटी की जॉब को मैंने रिज़ाइन कर दिया आज लोगों को सिक्सटी थाउजेंड सैलरी मतलब समझ में आया तरह होगा अभी कम से कम जिसको जॉब नहीं मिल रही उसको जाके पूछ के देखो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बीस पच्चीस हज़ार की नौकरी कर रहा है उसको जाकर पूछेंगे या जिसको नौकरी नहीं मिल रही उसको जाकर पूछेंगे तो उसको उसका वैल्यू ज़रूर पता चलेगा और जो इतनी मेहनत करता है तब भी उसको बीस पच्चीस तीस हज़ार मिल रहा है उसको पता है उसका वैल्यू क्या है तो सर साठ हज़ार मेरी सैलरी आती थी मैंने रिजाइन कर दिया क्यों क्योंकि डिसीजन लिया था अगर आप भी अपने जीवन में एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए सबसे पहले डिसीजन लीजिए आप एक सही जगह पर हैं सबसे पहले कि आप एक अच्छी इंडस्ट्री में हैं अपने ऊपर अपने ऊपर थपथपा अपने पीठ को कि हमने एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री को चुना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कई लोगों को लाखों और करोड़पति बन चु बना चुकी है कई लोगों को सिक्योर बना दिया है इस इंडस्ट्री ने तो आपने बिल्कुल सही कदम उठाया सबसे पहले इसके ऊपर अपना अपने ऊपर फक्र जताइए अभिमान जताइए दूसरा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को रिजाइन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है वो भी मैंने आज आपको बताया और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों डिसीजन लीजिए अपनी जिंदगी बदलने का तो पूरी तरीके से मन बनाकर हंड्रेड प्रतिशत इसको दीजिए सौ प्रतिशत इस इंडस्ट्री को दीजिए कि इंडस्ट्री को आपकी जरूरत है और आपको इस इंडस्ट्री की जरूरत है दोनों को एक दूसरे की जरूरत है कल जाके आपकी वजह से कई लोगों की जिंदगी जब बदल जाएगी तब आपको एक अभिमान होगा अपने ऊपर भी फक्र होगा सीना चौड़ा हो जाएगा बिल्कुल से दोस्तों तो इसी के साथ में दोस्तों आप सभी लोगों को कहूंगा कि अगर आपने पूरा सेशन सुनाया है और अपने डिसीजन के ऊपर आप आ रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ पूरी इंडस्ट्री आपके साथ है सभी तरह से आपको कहीं ना कहीं से आपको ट्रेनिंग मिल रहा है एज ए नेटवर्क मार्केटिंग कोच एक डायरेक्ट सेलिंग कोच एक बिजनेस कोच बिजनेस बिल्डिंग या बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से मैं आपकी कंटिन्यूसली मदद करता रहूँगा और आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊँचाई हासिल करिए बहुत बड़ी सफलता तक पहुंच जाइए और उन सारे नकारात्मकता को निकाल कर फेंक दीजिए अपनी जो कंपैरिजन है अपनी तुलना किसी और से मत करिए अपनी तुलना अपनी खुद से करिए कल की ग्रोथ से करिए आज की ग्रोथ से करिए परसों क्या करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आशा करता हूँ यह आज का सेशन मैंने पूरी मन से मेरे मतलब दिल से आपसे बात की है क्यों मैंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया क्यों मैं इस इंडस्ट्री को इतना प्यार करता हूँ ऐसे कौन से कारण हैं कि इंडस्ट्री सामान्य इंसान की जिंदगी बदल सकती है आशा करता हूँ ये ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा बिल्कुल से इसी के ऊपर जो मैंने किताब लिखी है नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है ये किताब 200 पेज की बन रही है दोस्तों और ऐसे ऐसे कंटेंट इसके अंदर हमें लेकर आ चुका हो कि 17 साल का निचोड़ मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ आप में से कई लोग इस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग इस कोर्स के अंदर एनरोल भी हो चुके हैं तो आशा करता हूं कि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई दोस्तों आप अपनी भी जिंदगी बदलिए और आपकी वजह से कई सारे लोगों की जिंदगी बदलते जाइए और इस नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री को दुनिया की नंबर वन इंडस्ट्री बनाने के लिए अपना सौ प्रतिशत दे दीजिए हम आपके साथ हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों विश ऑल द बेस्ट अगर आपने इस कोर्स के अंदर इनरोल नहीं किया होगा तो ज़रूर करिए अगर किसी ने किया है तो अपने डाउनलाइन एसोसिएट को जरूर इसकी सलाह दीजिए ताकि ये सारी मेहनत इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए ये सारी मेहनत आपको आने वाले समय पे एक अच्छा प्रोफेशनल एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अच्छा ट्रेनर बनाने के लिए भी ज़रूरी है दोस्तों कल जाके आपको सौ दो सौ सौ हजार लोगों की टीम को हैंडल करना है तो ये सारा नॉलेज एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी के जैसा नॉलेज आपके पास होना चाहिए मेरी ये कोशिश है कि एक अच्छा एजुकेशन तैयार कर पाओ एक करिकुलम तैयार कर पाओ एक अच्छा पाठ्यक्रम बना पाओ और आपकी मदद कर पाओ मेरे हर एक सेशन में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता को दुनिया के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल छोड़ दीजिए थैंक यू ऑल ऑफ यू विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का लिविदा कहना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहुत सारी शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ थैंक यू ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू